गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई एम योर टीचर मिज एवना आई होप यू ऑल आर फाइन सो इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट नाउन एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइजेस सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी मोर एक्सरसाइजेस ऑफ नाउन बट उससे पहले हम रिवाइज करेंगे सो नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन इंसान प्लेस जगह एनिमल जानवर थिंग चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं ये चार चीज़ें आपको याद रखनी है सो नाउ लेट सी द एक्सरसाइज ऑफ नाउन और नेमिंग वर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन इज सर्कल द नाउन इन द बॉक्स बिलो सो दीज आर दर्ड्स हमें इसमें से नाउन ढूंढना है ब्रिंग मीन्स लाना सो इट्स नॉट अ नाउन टाइगर इज अ नेम ऑफ एन एन एनिमल सो ये नाउन है डॉग इज अम ऑफ एनिमल सो इट्स ऑल्सो नाउन गोट इज एन एनिमल सो इट्स ऑल्सो नाउन डाक मीन्स अंधेरा ये नाउन नहीं है ब्रास मीन्स घास इज अ थिंग तो इट्स अ नाउन शार्प नोकीला ए नाउन नहीं है गर्ल इज अ पर्सन तो इट्स अ नाउन लेक इज अ प्लेस इट्स ऑल्सो नाउन टेबल इज अ थिंग सो इट्स अ नाउन वीक मीन्स कमजोर ए नाउन नहीं है स्टूल इज अ थिंग सो इट्स नाउन सो दीज आर द नाउन इन द बॉक्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट देंटेंस विद वन नाउन एंड सर्कल इट सो हमें सेंटेंस ड्राफ्ट करना है जिसमें हमें जिसमें एक नाउन होना चाहिए सो आई आईव टेकिंग द एग्जांपल आई हैव अ ब्यूटीफुल डॉल मेरे पास ब्यूटीफुल डॉल है सो डॉल इज अ थिंग नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ सेंटेंस विद टू नाउंस इन सर्कल इट हमें इसमें टू नाउन्स से एक सेंटेंस बनाना है सो एग्जाम्पल इज ही लेफ्ट इज बैग इन द स्कूल सो बैग इज अ थिंग एंड स्कूल इज अ प्लेस सो वो था नाउन now fourth question is look at the underline noun tell it is a person place animal thing which words underline has a noun Ab batana hai ki inme se wo kya hai and we have to write him so the first is she was going to catch the ball now ball is underlined. ball is a thing hai. second is my pet is cat so cat underline hai. cat is an animal see i love to go to the school so school is underlined school is a place next is your brother is tall so brother is a person so i hope you have understood the noun please do the revision thank you and have a nice day